कॉन्टिनेंटल इन एडमंटन होटल जो कि कनाडा में मौजूद है, इसके ठीक सामने एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जिसमें करीब 19,000 मुर्दे दफन है। हालांकि ये कोई हॉन्टेड होटल नहीं है, लेकिन एक दिन इस होटल में एक ऐसी घटना हुई जो सीसीटीवी में कैप्चर हो गई, और उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों को समझ में आ गया कि उस कब्रिस्तान की आत्माएं अब इस होटल में भी आने लगी हैं। ये वीडियो अपलोड किया था जैना स्नो ने। तो यहाँ पर मौजूद काम करने वाला एक बंदा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। यहाँ पर रिसेप्शन पर दो सोफे लगे हुए हैं, पीछे बहुत सारी घड़ियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पर एक धुएं जैसी चीज़ जो है ना वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अच्छा यार, पहली बार में देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस मॉनिटर में ये सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है ना उसके ऊपर शायद कोई रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। इसको ज़रा फिर से देखते हैं। ये रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये धुएं जैसा कुछ है। और सोफे पर जाने के बाद वो धुआं गायब हो गया हवा में। बाप रे, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने वहां पर हवन अवन कर दिया हो जिसका धुआं उड़ रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा में हवन करेगा कौन। खैर ये तो थी मजाक की बात, लेकिन सीरियसली ये धुआं नहीं था और ये किसी भी तरीके का मॉनिटर की स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन नहीं था। ये यार सच में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी लग रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली इस होटल के सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इस होटल में रहने वाले बहुत सारे कस्टमर्स ने भी इस तरीके की शिकायतें की थी कि उनको कमरे में अजीब सा धुआं दिखाई देता है, लेकिन लोगों ने कभी इस चीज पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन जब ये घटना सीसीटीवी में कैप्चर हुई तब जाकर इस होटल के एम्प्लॉयज ने इस बात पर विश्वास किया कि वाकई में इस होटल में भूत घूमते हैं। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, कि वाकई में ये जो धुआं स्क्रीन पर दिखाई दिया था ये किसी की आत्मा थी। अब इस होटल में भूत हो या ना हो, लेकिन अब मैं आपको नेक्स्ट ऐसी फुटेज दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इस फुटेज में भूत ने एक दुकान पर काम करने वाले एम्प्लॉय के ऊपर हमला कर दिया और ये हमला एक्चुअल में कैमरे में कैप्चर हो गया। तो यहाँ पर एक दुकान पर एक बंदा काम करता था जिसकी नाइट शिफ्ट होती थी। रात के समय वो स्टोर में सामान जमा रहा था, सीसीटीवी में वो खुद भी कैप्चर हो गया, लेकिन जब उसने आकर फुटेजेस को देखा तो उसे अपने अलावा उस फुटेज में कुछ और भी देखा। यहाँ पर ये बंदा सामान बॉक्स में से निकाल के रख रहा है और वहाँ दूर ज़रा नज़र डालकर देखना, आपको कुछ दिखाई देगा। ये बंदा खुद ही है जो सामान उठा रहा है ना, वही बंदा यहाँ मॉनिटर पर उसकी रिकॉर्डिंग को प्ले करके दिखा रहा है। वहाँ दूर एक बॉक्स गिरा, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तो मैं ऐसा मत सोचना कि केवल इस फुटेज में इतना ही है। बॉक्स गिरना तो बस एक शुरुआत है। इसको शक हुआ और ये वहाँ जाकर देखने लगा कि भाई बॉक्स कैसे गिर गया इस पूरे स्टोर में, तो मैं अकेला मौजूद हूँ। और एक्चुअली में ऐसी घटना हुई तभी उस बंदे को शक हुआ, तो उसने आकर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी ये चेक करने के लिए कि वो बॉक्स गिराया किसने था। उसके बाद इस बंदे को शक हुआ कि शायद उस स्टोर में कोई छुपा हुआ है, तो इसने ऊपर वाले फ्लोर पर आकर जो मेन स्टोर था वहां पर चेक करना शुरू किया। अब यहां पर ये बंदा अपना मोबाइल लेकर भी गया था और ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये सीसीटीवी को भी साथ साथ देख रहा था कि भैया स्टोर में कोई छुपा हुआ तो नहीं है, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। Nobody, और साथ ही साथ ये पूरे स्टोर में घूम घूम कर देख रहा था कि आखिर कौन है जो सामान गिरा रहा है। भाई नाइट शिफ्ट में काम करने वालों की जॉब बड़ी मुश्किल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मतलब कितना मजा आता होगा ना, इतने बड़े स्टोर में अकेले घूम रहे हैं, इतना सारा सामान रखा हुआ है। Not afraid of you. हाँ बस आप उस सामान को यूज नहीं कर सकते, वो अलग बात है। अरे भाई साहब डर गया मैं तो। ये पुतला रखा हुआ था हेलेन वाला, फट गई मेरी अभी। क्या मुझे लगता नहीं है कि मतलब आगे कुछ ऐसा खतरनाक होने वाला है, या फिर शायद कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। Come on out, pussy.
ओए क्या हुआ? अरे ये डर गए एकदम से ना, ऐसा लगा कि एकदम से किसी ने इसको पीछे से डरा दिया हो। भाई क्या हुआ? अच्छा ये तो मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग कर रहा था, ढूंढ रहा था कि स्टोर में कौन है, और ऐसा लग रहा है कि पीछे से किसी ने आके इसको चमका दिया। अब ये घटना होने के बाद उस बंदे ने फिर से जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की कि एक्चुअली में आकर उसे डरा कौन रहा था। तो फिर जो दिखाई दिया ना उस सीसीटीवी फुटेज में, वो एक्चुअली में डरा देने वाला था। भाई ये बंदा जा रहा है मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है, स्पीकर वाले सेक्शन में आ चुका है, और ओ किसी ने उसके बाल खींचे, किसी ने उसके बाल खींचे। भाग गया भाई वो डर के मारे, किसी ने एकदम से उसके बाल खींचे, इतने लंबे लंबे बाल थे, भूतों को उसके बाल पसंद आ गए भाई। इमेजिन करो अगर ये बंदा टकलू होता तो फिर भूत उसका क्या खींचते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब टी शर्ट भी खींच सकते थे, पैंट भी खींच सकते थे, बट यार शिट भाई साहब, ये बंदा अब नाइट शिफ्ट नहीं करने वाला कभी भी। मतलब इसमें तो कोई एडिटिंग नहीं है भाई, इसमें कोई मतलब इस वीडियो में कुछ भी फ्रॉड पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। ये तो यार मतलब सच में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अब अगला जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं, इस बात को आप डिसाइड करोगे, लेकिन इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि वो वीडियो एक्चुअली में बहुत डरावना है। तो अगर तुम ये वीडियो दिन में देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम रात में देख रहे हो ना तो थोड़ा सा दिल को थाम लो। भाई क्या है, लड़की है कि रोबोट है कि क्या, इसकी आंखें वहां के कैसी हो रही हैं? बट द पॉइंट इज कि रिकॉर्डिंग कर कौन रहा था? हो सकता है लड़की अपने कुत्ते के साथ खेल रही हो और खेल खेल में मजे ले रही हो, वीडियो बना रही हो, लेकिन तभी डीमन को ये हरकत पसंद नहीं आई, तो डीमन ने इसको पजेस कर दिया। या फिर शायद ये लड़की रियल लाइफ में इतनी डरावनी दिखती है। जो भी है भाई, मैंने जब इसको देखा ना, बड़ा ही मतलब सबसे खतरनाक वीडियो तो मुझे यही लगा, मैं सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। भाई क्या चेहरा बनाया यार इसने, मतलब वो उर्मिला मातोंडकर वाले तो मैं मीम याद है जिसमें वो रात को 3 बजे कोई उसके घर पे आता है और वो डरावना चेहरा बनाती है, भाई उससे भी ज़्यादा डेंजरस एक्टिंग करी है इसने, या फिर सच में ये पजेस्ड है। तो ये वीडियो अपलोड किया है एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेंटेड फेंडर गैराज, और ये बंदा कोई भूतिया वीडियोस नहीं डालता, इसका कोई पैरानॉर्मल चैनल नहीं है, ये बंदा गाड़ी की एसेसरीज खरीदता है 4-व्हीलर्स की और उनको ट्राई करता है, रिव्यू करता है। तो इसने एक रिवर्स लाइट खरीदी, जब कार को रिवर्स गियर में डालते हैं तो एक फ्लड लाइट जलती है जो इसने अपनी कार में लगाने के लिए खरीदी। अब इसे वो कार के लिए टेस्ट करना था तो ये चला गया अपनी फेवरेट जगह जंगल में, वो भी आधी रात को। तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल घटना होनी ही थी, क्योंकि जब तुम रात में भूतों की जगह पर जाकर अनबॉक्सिंग के और ट्रायल करने के वीडियोस बनाओगे तो भैया उसमें भूत तो आएंगे ही ना, उनको भी यूट्यूब पे आने का हक है। तो जरा ये देखो, तो भैया यहाँ पर बंदे ने लाइट जलाई और उसको कुछ दिखाई विखाई तो नहीं दिया, लेकिन उसके कार में जो कैमरा लगा हुआ था उसमें कुछ कैप्चर हो गया। क्या आपको दिखाई दिया? वहां देखो पेड़ के पीछे जरा ध्यान से, वहां पर एक हाथ है जो बिल्कुल डीमनिक हाथ लग रहा है, और वो छुप गया। वो इसलिए छुप गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो पकड़ में आ जाए, लेकिन भाई भाई ने पकड़ लिया यार। अच्छा बताओ, आपके साथ अगर ऐसी घटना हो कि आप रात को जंगल में जाओ और आपको एक जगह पर कुछ ऐसी घटना दिखाई दे, आप अगले दिन आकर अपना कैमरा चेक करो और आपको पता चले कि भाई जहां पर मैं रात में गया था वहां तो भूत था, तो तुम क्या करोगे? तुम फिर से सुबह उस जगह पर जाओगे? नहीं ना, ये बंदा गया भाई, इस बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये सुबह सुबह वापस उस जगह पर गया और उसने दिखाया कि भैया ये वो रोड है, ये वो गाड़ी है और ये वो जंगल है, और वो जो दूर दिख रहा है वो पेड़, उसी के पीछे एक भूत का हाथ इसको रात में दिखाई दिया था। तो इन भाई साहब की इस हिम्मत वाली हरकत से हमें पता चल जाता है कि हो सकता है ये वीडियो फेक हो, क्योंकि भाई रियलिटी में कोई भी ऐसी डरावनी जगह पर फिर से नहीं जाएगा। भाई देख लेना कहीं वो पेड़ से उतरती हुई ना चली आए, जो भी रात में दिखाई दी थी। मतलब लिटरली यार लोग YouTube पर वीडियोस बनाने के लिए कितना रिस्क ले लेते हैं। बाप रे, रात में देखो तो ये जगह कितनी डरावनी हो गई है,
दिन में ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही है कि हम पिकनिक मना लो, और रात में यहाँ पर भूत पिकनिक मनाते होंगे। तो ये वीडियो एक घर का, जहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे, हालांकि ये लोग विदेशी थे, लेकिन उसके बाद भी भैया ये अंधविश्वास पर को ज़्यादा ही भरोसा करते थे। रात के समय कोई इनके घर में आने की कोशिश कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया, ये लोग अपने घर के जो हैंडल होते थे ना दरवाजे के, उस पर एक घंटी टांग कर रखते थे। इनके शहर में ये रिचुअल ही था, सब लोग अपने दरवाजों के उस पर जो हैंडल होते थे उन पर घंटी टांग कर रखते थे कि कोई भी डीमन अगर घर में प्रवेश करना चाहता था तो वो घंटी बजने लगती थी, उस घंटी से आवाज़ आने लगती थी। अब रात के टाइम इनकी घंटी बजी, इनकी घंटी से मेरा मतलब है इनके दरवाजे के हैंडल पर जो घंटी लगी थी वो बजने लगी। तो भाई इन लोगों ने दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा चेक किया, तो एक कैमरा घर के अंदर लगा था, एक कैमरा घर के बाहर लगा हुआ था। सेम टाइमिंग पर, जिस टाइमिंग पर घर की बैल बज रही है, घर की अंदर की बैल बज रही है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई आने की कोशिश कर रहा है, सेम उसी टाइमिंग पर जो बाहर का कैमरा है उसमें कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। मतलब इन लोगों को लगा कि शायद कोई पड़ोस का बच्चा मज़े ले रहा होगा या कोई गुंडा घर में आने की कोशिश कर रहा होगा, कोई चोर लुटेरा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। और जब इन लोगों ने ये टाइमिंग मैच की दोनों कैमरे की, तो भैया इन लोगों की हालत ख़राब हो गई। इनका अपनी घंटियों पर और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि वाकई में इन घंटियों की वजह से ही उनको पता चला कि कोई इनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा था बट कर नहीं पाया, क्योंकि शायद वो पवित्र घंटियां थी। मतलब लिटरली ये वाला भूतिया वीडियो देखकर मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन एक गाने की याद आ गई, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां रे टन टन टन। तो भाई ऐसा नहीं है, भूत का मजाक नहीं उड़ा रहे हम, भूत भाई प्लीज डोंट माइंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, देखने में मजा आया होगा या थोड़ा बहुत डर भी लगा होगा। वैसे तो आजकल तुमको डर लगना बंद हो गया है, क्योंकि इतने साल से तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो, अब तुम्हें भूतों भूत से डर नहीं लगता भाई, अब तुम्हारे लिए कुछ नेक्स्ट लेवल चीज लानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे। एनीवे, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक टारगेट है 1,00,000 लाइक्स, प्लीज जल्दी से लाइक करो, 1,00,000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ भैया नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो अगर रात में कोई भी तुम्हारे घर में एंट्रियां मारने की कोशिश कर रहा है और घंटियां बज रही हैं, तो गलती से भी दरवाजा खोलने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है घर के बाहर कोई ऐसा इंसान हो जो कि अंदर आकर तुमको मार मार के भूत बना दे। तुम लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।